वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके एक नंबर पे कितने जीमेल आईडी बना हुआ है। जी फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आपको कोई भी जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है तो आप नया जीमेल आईडी बना लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपके नंबर पे बहुत सारा ईमेल आईडी बन जाता है और आपको पता नहीं होता कि आपने कितने जीमेल आईडी बना रखे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर कितने जीमेल आईडी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अनदर अकाउंट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ऐड अनदर वाले अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गूगल का, तो आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल का जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल और फोन का ऑप्शन दिखा है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट ईमेल का, तो आपको इस फॉरगेट ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉरगेट ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, तो आप जिस नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं उस नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मुझे दूसरा नंबर से वेरीफाई करना है, मैं यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना नाम डाल देना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है और जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स जब आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देंगे तो आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, तो आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ से सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया और ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ गया है आपके इस नंबर पे कितना जीमेल आईडी है। तो मेरे नंबर पे दो जीमेल आईडी बना हुआ है और ये दोनों ही जीमेल आईडी आ गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे आपके जीमेल आईडी का जो भी पासवर्ड है आप पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेंगे और यहां से फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने जीमेल आईडी को यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप जीमेल आईडी को डिलीट नहीं करना जानते हैं तो आप, मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।